नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो जो स्टूडेंट लाइब्रेरियन कोर्स करने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि VMU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो DLIS है, BLIS है, DLIB, BLIB के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर वो वीडियो जो आपको देखने हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता रखी है कि किस तरीके से आप DLIS है साथ में BLIS है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पर महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, साथ में जो पुरुष है यानी जो मेल कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको 15% वहां पर छूट मिलेगी। अब उससे के बाद में आपको पता है, अच्छी तरीके से आपको पता है कि लास्ट ईयर या एक तरह से लास्ट सेशन में आपको पता है कि जो इग्नू है और VMU है इनमें साल में दो बार एक तरीके से एडमिशन स्टार्ट होते हैं। लाइब्रेरियन के जितने भी कोर्स है, CLIS है, मतलब कि CLIB है, BLIB है, DLIB है, MLIB है, इन सभी के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एडमिशन है वो फिलहाल अभी जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले जनवरी में थे यानी दिसंबर जनवरी में। अब इसके बाद में और एडमिशन स्टार्ट होंगे, 6 महीने में एक बार एडमिशन स्टार्ट होता है। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं कि CLIS कोर्स है साथ में MLIS कोर्स है वो आप कहां से कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर VMU के द्वारा नहीं करवाया गया था और इस बार भी MLIS कोर्स करवाया जा सकता है। बाकी मैं कंफर्म CLIS कोर्स की नहीं बोल सकता, लेकिन जो आप अगर 6 महीने का आप CLIS कोर्स है, ठीक है, वो अगर आपको करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, यानी कि CLIS मतलब सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इसके बारे में मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूं, उसी के साथ में आप MLIS के लिए भी क्लियर करूंगा कितनी फीस रहेगी, कहां से आप कर सकते हो, आपके लिए जो रीजनल सेंटर है वो क्या क्या रहते हैं, फीस किस तरीके से सबमिट करवा सकते हो, सेमेस्टर वाइज होता है या एनुअल वाइज होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। सबसे पहले तो देखो जो इग्नू है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उनके द्वारा एक तरीके से ये कोर्स है CLIS है MLIS है वो करवाए जा रहे हैं। वैसे इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको मैं क्लियर भी कर दूं, जो लास्ट डेट है वो अभी फिलहाल 31 जुलाई रखी गई है। क्या रखी गई है? 31 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है जितने भी जो ऑनलाइन मेथड से, क्योंकि ये कोर्सेज है जो आपको मैं बता रहा हूँ ये घर बैठे आप कर सकते हो। अभी CLIS कोर्स के लिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो स्कूल ऑफ सोशल साइंस रहेगा, ठीक है, 6 महीने का ये कोर्स आपके लिए रहने वाला है। ये जिसमें मीडियम रहेगा CLIS कोर्स में वो बिल्कुल इंग्लिश रहने वाला है। वैसे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होने चाहिए, बाकी यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, बाकी जब आपको और भी कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए। इसके लिए जो फीस रहेगी वो आपकी 3,000 रुपये, टोटल 3,000 रुपये आपकी रहती है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो किस तरीके से करोगे वो भी मैं बताऊंगा। 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। उसी के बाद में जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। साथ ही में कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपके 4 थ्योरी पेपर आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रहेगा, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड लाइब्रेरी सर्विस रहेगा, उसके बाद में ICT इन लाइब्रेरीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट 16 रहने वाला है। अब रीजनल सेंटर आप देख सकते हो, इसके लिए रीजनल सेंटर है वो हर जगह मिलेंगे, जम्मू है, बेंगलोर है, भोपाल है, पोर्ट ब्लेयर है, उसके बाद में भुवनेश्वर है, जयपुर है, जयपुर में बहुत ही ज्यादा इसके ज्यादा सेंटर है, ठीक है। जयपुर में आपको हर जगह आपको इसके सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। CLIS कोर्स कौन कर सकता है? अभी देखो जो CLIS कोर्स है, अगर ये कोर्स आप कर लेते हो तो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। वैसे तो इसके लिए भर्ती है NVS है, KVS है, DRDO है, DSSB है, इनमें भर्ती वगैरह निकलती है, तो इनके लिए आप अप्लाई भी कर पाओगे, घर बैठे आप भर सकते हो। इसके लिए 6 महीने में आपका एग्जाम होता है, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल होते हैं। रीजनल सेंटर पर आपको प्रैक्टिकल या एग्जाम देना होता है। रीजनल सेंटर जैसे अगर आप दिल्ली इग्नू से करते हो तो आपका जो रीजनल सेंटर है वो जयपुर में भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं MLIS की, ठीक है। जैसे कि वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, यानी मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, एक एक पॉइंट जैसे मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे चल रहा है, ये पूरा PDF है, ये PDF वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको मतलब कि इजी रहेगा चीजों को देखने से, क्योंकि एक बार खुद से भी पढ़ लेते हैं तो वो चीजें आपको बार बार रिवाइज रहेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें कंपलसरी जो कोर्सेज रहेंगे वो आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी रहने वाला है, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस
सिस्टम्स एंड सर्विसेज रहेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल रहेगा, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और साथ में एप्लीकेशंस और इंटर्नशिप आपकी रहेगी। अब इनमें से चूज एनी टू कोर्स, जो कि मैं यहाँ पर मैं कोर्स बता रहा हूँ, इनमें से आप दो कोर्स चूज कर सकते हो अगर आपको MLIS करना है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर प्रोग्राम रहता है, कोर्स रहता है, ब्लॉक रहते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पूरा बता रखा है कि क्या यहाँ पर PDF रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। अब जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि MLIS के लिए जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी। अब देखो इसमें डिवीजन का रहता है, अगर आपके 60% अबाउ नंबर आ रहे हैं या इतनी आपकी बन रही है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, अगर आपकी 50% से अबाउ बन रही है तो आप सेकंड डिवीजन से, अगर आपकी 40% से अबाउ बन रही है तो आप थर्ड डिवीजन से पास होंगे, ठीक है। अब MLIS वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी BLIS कर रखा है, और BLIS का भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मिनिमम 40% मार्क्स इन बोथ कंटिन्यूअस एवोल्यूशन एंड फील्ड फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको मतलब कि 2 से 3 साल में आप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये कोर्स आपका 1 साल का ही रहता है, और उसी के साथ में यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ आपको, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर PDF देख पाओगे आप, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। ये बिल्कुल आपके जो कोर्स है उनके लिए रहने वाले हैं, ये टॉपिक आपके रहेंगे, जो कि आपको PDF के माध्यम से क्लियर भी हो जाएगा। वैसे मैं बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, एक बार खुद से आप देख लेना। वैसे मैं ये PDF है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो एक बार जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब देख वैसे तो इसके लिए जो फीस रहेगी वो 10 से 12 हज़ार रुपये रहती है, ठीक है, एक साथ ही आप फीस है वो सबमिट करवा सकते हो। आपका 1 साल का अगर होता है, जैसे अभी फिलहाल जुलाई में लेते हो, तो नेक्स्ट जुलाई यानी 2025 जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल होंगे। ये पूरी जानकारी आप सभी छात्रों को पता होनी चाहिए, साथ ही में जो MLIS कोर्स है जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी BLIS कर रखा है वो कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड की जितनी भर्ती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो ये कोर्स करने के बाद में। ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, एक बार खुद इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना, और नोटिफिकेशन को जैसे ओपन करोगे तो आपको खुद को ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी तो मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है, ये देख सकते हो। MLIS के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 10,800 रुपये टोटल रहने वाली है, 1 साल का ये कोर्स रहता है। वैसे मैक्सिमम 2 साल में आप इससे कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, BLIS जिस स्टूडेंट ने कर रखा है वो इसमें एक तरीके से एलिजिबल रहता है, ठीक है। ये कोर्स है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया, बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।